हरियाणा से एक्सपोर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं और कौन से प्रोडक्ट कर सकते हैं, चलिए बताता हूं आज। मैं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और एक्सपोर्टर, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर आप हरियाणा से रहते हैं या हरियाणा को टारगेट कर रहे हैं तो वहां पे कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, कौन से प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो, और वो प्रोडक्ट वहाँ आपको सस्ते और अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे। हरियाणा एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब है, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है जो आपको एक्सपोर्ट के लिए मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बिना सीखे बिल्कुल मत करिए। हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती रहती है ऑनलाइन और ऑफलाइन, अलग अलग स्टेट में चलती रहती है, जिसमें हम आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की, जिसमें हर एक तरीके का डॉक्यूमेंटेशन, लाइसनिंग प्रोसेस, बायर कैसे मिलेगा, सप्लायर कैसे मिलेगा, कौन सी स्टेट से कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, किस प्रोडक्ट में कितना मार्जिन है, कौन से प्रोडक्ट को कौन से देश में टारगेट करना है, पेमेंट कैसे सेफ रहेगी और सप्लायर और बायर को वेरीफाई कैसे करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाते हैं। तो अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पे आज ही कॉल करके रजिस्ट्रेशन कराएं। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की। देखिए दोस्तों, हरियाणा एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। सबसे पहले बात करते हैं कि हरियाणा से कौन से प्रोडक्ट आपको सस्ते मिलेंगे और कौन कौन से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपको हरियाणा में मिलेंगे। हरियाणा में ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग का काम बहुत अच्छा खासा होता है। ऑटोमोबाइल हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गए, ऑटो एक्सेसरीज हो गए, तो जितना भी ये ऑटो सेक्टर है ये आपको हरियाणा में मिलेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मारुति सुजुकी, होंडा और हीरो जैसी कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी कहाँ पे है, हरियाणा में है। अगर मैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात करूँ तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आप डेयरी प्रोडक्ट हरियाणा से एक्सपोर्ट कर सकते हो, इवन टेक्सटाइल आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, हैंडलूम एक्सपोर्ट कर सकते हो, राइस हरियाणा में अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है, शुगर केन का प्रोडक्शन भी अच्छा खासा होता है, तो यानी ये प्रोडक्ट्स भी आपको हरियाणा से मिल जाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं, आईटी इंडस्ट्री पूरा गुरुग्राम आईटी इंडस्ट्री से भरा हुआ है, फरीदाबाद आईटी इंडस्ट्री से भरा हुआ है, यहाँ पे आपको आईटी पार्क्स मिल जाएंगे, पूरा सॉफ्टवेयर बीपीओ मल्टीनेशनल कंपनीज मिल जाएगी, इनबाउंड प्रोसेस आउटबाउंड प्रोसेस सारा का सारा यहीं से चलता है, तो एक एडवांटेज ये है। अगर मैं बात करूँ टेक्सटाइल और गारमेंट्स की, तो टेक्सटाइल और गारमेंट्स आप पानीपत जाके ले सकते हो। अगर आपको पानीपत के बारे में नहीं पता तो एक चीज़ और बता दूँ, पानीपत बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब है टेक्सटाइल गारमेंट्स और हैंडलूम का। वहाँ पे आपको टॉवल भी मिल जाएंगे, बेडशीट्स भी मिल जाएंगी, आपको कर्टेंस भी मिल जाएंगे, आपको अलग अलग प्रोडक्ट जैसे एसी ब्लैंकेट हो गया वो भी मिल जाएगा, तो मल्टीपल चॉइस मिल जाएगी और मल्टीपल वेराइटी इवन सर्टिफिकेशन के साथ। कल को बायर आपसे सर्टिफिकेट मांगता है इंस्पेक्शन का तो वो भी मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स की। केमिकल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी आपको हरियाणा में अच्छी खासी मिल जाएगी। बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है फार्मास्यूटिकल्स की जो हरियाणा के अंदर है। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम में अगर हम जाते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम तो मिलेगा, पॉटरी प्रोडक्ट्स, कारपेट्स हरियाणा से अच्छे खासे इस समय एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो एक एडवांटेज आपको ये भी मिलेगा। अगर हम बात करें कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की, तो वो भी आपको हरियाणा में मिल जाएगी। इवन हेल्थ केयर और मेडिकल टूरिज्म में भी हरियाणा बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये है दोस्तों हरियाणा। ये तो थे एक्सपोर्ट हब्स कि कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आपको बासमती और नॉन बासमती राइस मिल जाएगा, वीट मिल जाएगा और अलग अलग तरीके के सीरियल्स भी मिल जाएंगे। फ्रूट्स की बात करें तो साइट्रस फ्रूट्स, मैंगो,
ग्रेप्स भी हरियाणा में मिल जाएगा। वेजिटेबल्स की बात करें तो अनियंस, टमाटो और पोटैटोज भी मिल जाएंगे। स्पाइसेस की बात करें तो क्यूमिन, कोरिएंडर और मस्टर्ड और अलग अलग तरीके के स्पाइसेस भी आपको हरियाणा में मिल जाएंगे। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें तो जितना भी ऑटो पार्ट्स और कंपोनेंट्स है वो तो बनता ही बनता है। आज की डेट में एक चीज़ देखिए, सबसे ज़्यादा ईवी की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी वहाँ पे ओपन हो चुकी है जो टू व्हीलर के पार्ट्स जो कि ईवी में यूज़ किए जाते हैं, फोर व्हीलर है उसमें यूज़ किए जाते हैं, वो भी तैयार हो रहे हैं, तो वो भी मिल जाएंगे। इवन इंजन्स और ट्रांसमिशन भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। टेक्सटाइल और अपैरल्स की बात करूँ, चाहे आप फैब्रिक में डील करें, चाहे आप यान में डील करें, चाहे आप रेडीमेड गारमेंट्स में डील करें, चाहे कारपेट्स में डील करें या रग्स में डील करें, वो भी आपको ईजिली मिल जाएगा। पॉटरी और सेरामिक्स के साथ साथ आपको वुडन हैंडीक्राफ्ट और मेटल क्राफ्ट भी मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं दूध की, घी की, पनीर की, तो भाई हरियाणा के लोगों की तो खासियत ही यही है, दूध घी पनीर। हरियाणा का नाम आते क्या आता है, दूध घी पनीर, तो ये भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्नैक्स की बात करूं, कन्फेक्शनरी आइटम्स की बात करूं, तो वो भी कर सकते हैं। इवन एक चीज़ और बताना चाहता हूं, नमकीन भी हरियाणा से बहुत अच्छी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट हो रहा है। बेवरेजेस की बात करूं तो जितने भी फ्रूट जूसेस हैं, जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वो भी आपको हरियाणा में मिल जाएंगे। इवन मिनरल वाटर के प्लांट हो गए, पैक ड्रिंकिंग वाटर के प्लांट हो गए, अगर आप वाटर को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो वो भी आपको हरियाणा में इजीली मिल जाएगा। यानी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको हरियाणा में मिल जाएंगे, आपको किसी दूसरी स्टेट से परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम बात करें अगर एग्रीकल्चर मशीनरी और उसके पार्ट्स की बात करूँ, देखिए कोई भी इंसान, कोई भी किसान अगर खेती कर रहा है तो उसको क्या चाहिए, उसको एग्रीकल्चर मशीनरी चाहिए। तो वो मशीनरी तो होगी, लेकिन वो मशीनरी कभी ख़राब हो गई तो उसको पार्ट्स भी तो चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपको हरियाणा में इजीली मिल सकती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हरियाणा के आईटी इंडस्ट्री की, तो अगर आप सपोज़ कीजिए आप सर्विस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सर्विस एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, तो आईटी हब के नाम से सीधा आप गुड़गांव चले जाइए। हरियाणा में और भी फरीदाबाद है, वहाँ चले जाइए तो वहाँ पे भी आपको पूरे आईटी हब्स मिल जाएंगे। सॉफ्टवेयर बनाइए, सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करिए, या आप किसी भी तरीके की सर्विसेज देना चाहते हैं तो हरियाणा से आप इजीली अवेलेबल करा सकते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगर मैं बात करूँ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स और पैकेजिंग मटीरियल्स की, ये भी आपको हरियाणा में मिल जाएंगे। इवन रबर की अगर मैं बात करूं तो रबर भी आपको हरियाणा में मिल जाएगा, चाहे वो रॉक फॉर्म में लीजिए या फिर रबर के किसी प्रोडक्ट फॉर्म में लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, हरियाणा में मिलेंगी। वुडन फर्नीचर हो चाहे होम डेकोर हो, किसी भी तरीके का फर्नीचर हो, आपको हरियाणा में ईजिली मिल जाएगा। तो एडवांटेज ये है, ट्रेडिशनल फर्नीचर चाहिए, किसी भी तरीके का फर्नीचर, किसी भी तरीके की लकड़ी चाहिए, अगर सस्ते रेट वाली चाहिए, अच्छी क्वालिटी की चाहिए, अच्छी फिनिशिंग वाली चाहिए, तो सारी चीज़ें आपको हरियाणा में मिल जाएंगी। इसके बाद आगे बात करते हैं लेदर और लेदर गुड्स भी, चाहे वो शूज़ हो, बैग्स हो या लेदर एक्सेसरीज हो, ये भी आपको हरियाणा में मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मेटल और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स की, स्टील प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स आपको हरियाणा में मिल जाएंगे। मेडिकल डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स, फार्मास्यूटिकल और मेडिसन्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको हरियाणा में मिल जाएंगी। अगर मैं बिल्डिंग मटेरियल की बात करूँ, कंस्ट्रक्शन का काम तो वैसे ही जोर शोर से चल रहा है, तो हरियाणा में आपको बिल्डिंग मटेरियल्स, टाइल्स या सिरामिक टाइल्स, किसी भी तरीके के बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, चाहे वो नट्स है, बोल्ट्स हैं, वो भी आपको कहाँ से मिल जाएंगे, हरियाणा से मिल जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे आगे हम इस हरियाणा के प्रोडक्ट्स के लेकर, हरियाणा से लेकर इस वीडियो को जारी रखेंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
We'll be right back.